सलवार नहीं मैं कटवाऊंगी तुहानू अज, सिंपल सलवार नहीं कटवाऊंगी, प्लाजो कटवाऊंगी। ठीक है, डेमो तुहानू प्लाजो दी देवांगे, सलवार आपां ईजीली कर लैंदे आ। ठीक है, और चलो आपां क्लास शुरू करदे आ। और ये मैं तुहाडे लई लिया प्लेन प्लाजो। ये अपना जिहड़ा घेर है वह प्रिंटड है और इस ते नैक की ऐदा प्रिंट बनया हुआ है। ठीक है, नैक वाला प्रिंट बनया हुआ है। फर्स्टली अपने को की होना चाहिए, मेजरमेंट्स होने चाहिए है। ठीक है, मेजरमेंट केड़े केड़े चाहिए है अपन को, तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो तो एज इट इज मिल जाएगी। मीन्स की होना चाहिए, अक्रोस शोल्डर कस्टमर का हैगा 14 इंच, शर्ट लेंथ होनी चाहिए अपने को कस्टमर की हैगी है 45 इंच, राउंड बस्ट 38 इंच, राउंड वेस्ट सॉरी राउंड बस्ट 38 इंच, राउंड वेस्ट हैगी अपने को 34 इंच, राउंड हिप अपने को हैगी है 40 इंच, प्लीट्स लेंथ आप मेजर करते हैं टॉप ऑफ द शोल्डर टिल बस्ट पॉइंट, ये हैगी इन्ह की 11 इंच, आर्म लेंथ 16 इंच, आर्म की बॉटम 5.5 इंच, फ्रंट नैक 6.5, बैक नैक 7, सलवार लेंथ अपन कस्टमर की पता होनी चाहिए है इन्हों की है 37 इंच, बैल्ट हैगी है, बैल्ट हिप के अकॉर्डिंग होंगी है, हिप दे विच जिन्नी हिप होंगी है वो आप 3 इंच लूजनैस वास्ते प्लस करते हैं, जिदा इन्ह की हिप हैगी है राउंड का 40 है, जो आप हाफ करते हैं तो 20 बन जाएगी, सो 20 दे विच आप 3 इंच प्लस करा 23 इंच इन्ह की बैल्ट रेडी होनी चाहिए है। पौंचा 6 इंच, प्लाजो लेंथ 37 इंच। ठीक है, क्रॉच एरिया पता होना चाहिए भी कि रेडी होंगे, सो ये कस्टमर का है 13 इंच, राउंड हिप 40 इंच। जो अपने पेंट प्लाजो टाइट फिटड बनाना है उदो तो अपने लेना है राउंड नी। ठीक है, और बॉटम हैगी इन्ह की 7 इंच 8 इंच करते हैं, डिजाइनिंग जो कस्टमर कहता वो अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये जेडे मेजरमेंट ने इन तो आप कस्टमर का कोई भी चार्ट है जोड़ा वो बना सकते हैं, कोई भी जोड़ा अपना सूट है वह भी बना सकते हैं, जो सिंपल है ड्रेस है कुछ भी है फ्रॉक सूट है हर चीज़ आप इस तो बना सकते हैं। ठीक है, ये अपने को नाप है, हूँ आप रिगार्डिंग सूट की कटिंग करा कि आपने शर्ट की जिहड़ी लेंथ है वह किन्नी लैनी है, शर्ट की लेंथ किन्नी लैनी होंगी है, जिन्नी शर्ट लेंथ टोटल होंगी है उस तो आपने 4 इंच प्लस लैनी होंगी है शर्ट लेंथ। ठीक है, फस्ट अपना मेन जिहड़ा पार्ट है शर्ट लेंथ टोटल लेंथ तो 4 इंच प्लस लैनी है, और जिहड़ा हैगा विर्थ शर्ट की वह भी आपने अराउंड हिप 4 इंच प्लस लैनी है। ठीक है, म्यूट कर लो बच्चे। हुण देखो अप्रोक्सीमेट अपन इन्हां दी लेंथ बनानी है 45 इन्हां दी टोटल लेंथ है, सो जे आपां जिवें इहदा प्रिंट हैगा अपने कोले टोटल 45 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपां उन्हां नूं पुछ के उन्हां दी लेंथ घटा भी सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उन्हां दा फैब्रिक अपने कोले थोड़ा है। ठीक है, हूँ आप इन्हों की लेंथ जो आप 42 भी रखिए तो भी इनफ है, क्योंकि 42 उन्होंने थोड़ी मैनू वधा के कहा प्लाजो ले। ठीक है, आप
फिर भी इन्हों की 43 के अकॉर्डिंग रख देंगे। नीचे फोल्डिंग लिए आप एक्सट्रा फैब्रिक नू ऐड कर सकते हैं। जिनी आपने लेंथ लेनी है जिमें 42 है वो आप इतने 3 इंच अपने को प्लस हो रहे हैं तो इनू आप 3 इंच प्लस ही ले लेंगे 45 इंच ही ले लेंगे। ठीक है 45 इंच लैके उस तो बाद जिहड़ा नैक वाला प्रिंट है उनू ध्यान च रखना है। नैक वाले प्रिंट तो आपने हाफ इंच हाफ हाफ करना है। कादा हाफ करना है हिप का हाफ करना है। होर किसी चीज़ तो तुसी मेजरमेंट नहीं लाओगे घेरे तो कले तो मेजरमेंट नहीं लैने। हिप नू ध्यान च रख के फिर ही आपने शर्ट की कटिंग करनी है। हिप किन्नी अपने को 20 है। ठीक है 20 दे विच आपने 4 इंच प्लस करना है। 4 इंच प्लस करांगे तो किन्ना हो जाएगा 22 इंच। इत्थे 12 इंच आ गया। 12 इंच इधर मार्किंग कर ली और 12 इधर मार्किंग कर ली। ठीक है हुण आपने की करना है इत्थों सैलवेज तक मेजर कर लेना है। 27 आ रहा है सो शर्ट नू सही करके इंच ते आपा मार्किंग करांगे। हाँ जी की कह रहे हो जेडी इत्थे लाइन बनी हुई है ठीक है उनू आपा कटिंग कर लांगे। केड़ी मार्किंग की आप 27 ते मार्किंग आपने किमें की सी जेड़ा नैक वाला प्रिंट सीगा। ठीक है ओदा सेंटर लिया सी आपने सेंटर लैके 12 इंच चाहिदा सी आपां नूं। ठीक है ओदे रिगार्डिंग आपने 12 इंच का हाफ करके शर्ट की चौड़ाई है जिहड़ी वो सही की है इदां। ठीक है फिर अपने सैलवेज तक अपने की किया 27 मेजर कर लिया सारा भी इतों हाफ 27 आ रहा है टिल सैलवेज तक। हूँ समझ आया आ गया समझ। ठीक है हूँ अपने इनू फोल्ड किया 12 इंच सारा उपर तो लैके हैम तक। ठीक है हुण इह आपां ने देखना है कि अपना सही है सारा। हुण देखो इह थोड़ा कान च जा रहा है फैब्रिक जदों इहनूं मैं इदां डबल कीता जिथे इहदी तह सही बन रही है उत्थों आपां 12 इंच मेजर करांगे सारा कि इह अपना प्रॉपर आ जाए। ठीक है इत्थे आके देखो इह चेंज हो रहा है। इनू आपां इक्वल कर लांगे मार्किंग नाल ताकि अपने कपड़े च पाण ना पवे। हुण जिहड़ा भी एक्सट्रा फैब्रिक है उनू आपां रिमूव कर दांगे।
ये अपना फ्रंट पीस आ गया अपने कोल। फ्रंट पीस तो अपने सेंटर गले का करके फेर कढ़िया है ना, हुण आपां जिहड़ा बैक पीस है वह इदा ही लवांगे। सूट कटना पहला वॉश करना जरूरी है, वॉश करके उन्हें प्रेस करे होना जरूरी है। ठीक है, हुण जिहड़ा फ्रंट पल्ला है उन्हें आपां ओपन करांगे। ओपन करके बैक पल्ले ते रखांगे। फिर इन कटिंग कर लो। और बैक पल्ला दोनों अपने कोल कटिंग हो गए। हुण फ्रंट पल्ले नूं आपां अलग तो फोल्ड करांगे ऐदा डबल फोल्ड। और बैक नूं अलग तो साइडां बराबर रखनियां ने, ये वधनी घटनी नहीं चाहिदी साइड अपनी। फ्रंट पीस ऊपर रखना। ठीक है, ये अपनी कटिंग होगी फ्रंट और बैक पल्ला। हाँ ये तो हम बोल रहे हैं कैमरा। हुण अपनी फोल्डिंग हो गई है। हुण अपनी फोल्डिंग हो गई है, हुण आपां इहदियां काटां पावांगे। किद्दां पावांगे ये तुसीं ध्यान नाल देखणियां ने। फर्स्टली आपां ने फ्रंट पल्ले नूं उपर, बैक पल्ले नूं नीचे। ठीक है, उस तों बाद आपां ने पहला काम की करना है, फ्रंट पल्ले नूं बैक पल्ले तों 1 इंच घटा के रखना है। 1 इंच घटा देना पल्ला। फ्रंट पल्ला मैं इथों ट्रिम कर दूंगी। यह सूट कटिंग दी ओ ट्रिक है जिदे नाल के तुहाडा गला कदे भी पिछे नहीं जाऊगा। हुण आपां ने की मेज़र किया होया इन्हां दा, एक्रोस शोल्डर। एक्रोस शोल्डर किन्ना रखना है, जदों आपां ने नॉर्मल नैक बनाउणा है तां 14 इंच एक्रोस शोल्डर दा जिहड़ा मार्जन है वह आपां ने किन्ना रखना है नॉर्मल नैक ते, 6.5 इंच। 6.5 इंच रख लिया। हुण आपां ने की करना है, 1/2 इंच अपना मेजरिंग टेप उपर ए वाली कटिंग तो, 1/2 इंच नीचे ऐदा मेज़र करके 7.5 इंच ते मार्क करना है। कादा शोल्डर दा निशान। ठीक है, और ऐदा एल बना लेनी है। ठीक है, एल बन गई। उस तो बाद की करना है, बस्ट दी मार्किंग करांगे। बस्ट किन्नी है,
इन्हां दी बस्ट अपने कोले राउंड सी 38 ता हाफ किन्नी होएगी 19 9 एंड हाफ इंच बस्ट अपने कोले किन्नी है 9 एंड हाफ इंच मार्क करिया देन जॉइन द बस्ट पॉइंट विद शोल्डर लाइन इनू पहला आप स्ट्रेट मैच करांगे फिर की करना है इस लाइन का हाफ करना है हाफ करके अद्धा इंच अंदर वाली साइड आवांगे उत्थों हल्की हल्की कर्व शेप दे के बस्ट पॉइंट नाल मैच कर देंगे और उपरों एक्रोस शोल्डर नाल ठीक है जी ये अपनी चार पीसिस दी इकट्ठी काट पाऊगी फ्रंट और बैक पीस दी फ्रंट काट किवें पैंदी है ज़्यादा प्रॉब्लम इत्थे ही आंदी है बच्चों नूं फ्रंट काट दे विच फ्रंट पीस तो 4.5 इंच डाउन आना है बोलियो फ्रंट पीस तो 4.5 इंच डाउन आना है उत्थों आपने उन्ना ही मार्जिन नीचे लेना है गोलाई दिंदे हुए बस्ट पॉइंट नाल मैच कर देना है ठीक है फिर आपने उपरों फ्रंट पीस चकने हैं देन कटिंग करनी है ये आ गई अपनी फ्रंट पीस दी काट हुण आपने की करना है फ्रंट पीस तो 1/2 इंच डाउन इधरों नैक की स्पेस छड़नी है 2.5 उत्थे तक डायगनल लाइन लगा के इत्थों कटिंग कर देना है फ्रंट पीस एज इट इज सेम मैथड कादे लिए यूज करना है बैक पीस लिए ओके हुण ये तां हो गई अपनी शोल्डर की कटिंग एक्रोस शोल्डर आ गया दैन आपने की मार्किंग करनिया ने हुण प्लेट्स प्लेट्स किन्ने ते ने इन्हां दियां 11 इंच ते 11 इंच ते आपां फ्रंट पीस तो 11 इंच ते ही मार्किंग करांगे प्लेट्स दा गैप किन्ना होना चाहिदा है 3.5 इंच स्टैंडर्ड साइज है दैन मेजरिंग टेप नीचे 7 इंच दी प्लेट जिहड़ी स्टैंडर्ड पैंदी है शर्ट दे विच ओह आपां पावांगे इह तां हो गई सिद्धी प्लेट हुण साइड वालियां की हुंदियां ने डार्ट्स हुंदियां ने इहनूं प्लेट कहिंदे आ और साइड वालियां जिहड़ियां पैंदियां ने उहनां नूं डार्ट्स कहिंदे आ मेजरिंग टेप तुसीं जिहड़ी स्ट्रेट प्लीट है उस दे जस्ट उपर कॉर्नर ते रखोगे और जदों साइड वाली डार्ट की मार्किंग करनी है उदों इहदे सिमिलर नहीं करनी मेजरिंग टेप दे नीचे करनी है 2.5 इंच ते ये भी स्टैंडर्ड साइज है हर एक बच्चे हर एक कस्टमर दे आपां प्लीट्स ने जिहड़ियां वो इदां ही पाउणे आ ठीक है सूट दे विच 2.5 दा ही गैप हुंदा है जदों आपां प्लीट्स पाउणे आ एज इट इज़ आपां इस प्लेट तों जिहड़ी अपनी शोल्डर दी मार्किंग है उत्थों क्रॉस कर लांगे मेजरिंग टेप दैन 2.5 इंच ते मार्किंग करांगे स्ट्रेट फिर जिहड़ी साइड वाली डार्ट दा आपां मार्किंग कीती है उत्थों आपां 2.5 इंच ते मार्किंग ए वाली लाइन नूं क्रॉस करके कटा दांगे ठीक है कटवाती दैन इत्थों इहनूं शोल्डर लाइन चों क्रॉस करता ए अपनी साइड वाली डार्ट आ गई ठीक है और ए वाली स्पेस अपनी होनी चाहिए है 6.5 या 7 इंच ये आप अपने अकॉर्डिंग लै सकते हैं फिटिंग दे
हूँ आ गए जी अपने डार्ट दे हो गए, डार्ट और प्लेट्स दोनों हो गई। हूँ आपने की करना है, फिटिंग की मार्किंग करनी है। फिटिंग की मार्किंग किमें होएगी कि आपां नूं दोबारा तो निशान ना लगाना पवे, प्लेट्स का भी मार्जिन रखना है। सो इन्हां दी फिटिंग हैगी अपने कोले, उंज तां इन्हां दी फिटिंग हैगी है 15 इंच। जदों प्लेट्स का मार्जिन ऐड हो जाएगा तो 1.5 इंच प्लस कर लाँगे, 1.5 इंच प्लस प्लेट्स का मार्जिन आ जाएगा। जे इन्हां दी फिटिंग 15 इंच है तो अपने कोले किन्नी होनी चाहिए है, 16.5। 1.5 इंच वधानी है, 16.5 ते आपां मार्किंग कर लांगे। उस तो बाद साइड लेंथ किन्नी होनी चाहिए है, साइड सेम, साइड सेम इन्हां दी हैगी है 15 इंच। हिप हैगी है इन्हां दी 20 इंच। इत्थों 2 इंच दा तुसीं सिद्धी मार्किंग करोगे, सीधा निशान लगाओगे, और इत्थों तुसी हल्का हल्का कर्व दिंदे हुए मार्किंग करोगे। बस्ट वाली साइड तो वेस्ट तक हल्की हल्की मार्किंग बाहर वाल उभारदे हुए फिर तुसी मार्किंग करोगे। ये तुहाडी फिटिंग दी प्रॉपर मार्किंग है, ये तुहानू दोबारा लगाउणी नहीं पवेगी जे तुसी सूट बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल तुहाडी सही फिटिंग आऊगी। ट्रेसिंग व्हील दा तुसी यूज कर सकते हो मार्किंग नू प्लेस करन वास्ते। जेड़े साइड वाले मार्किंग ने इन्हां नूं तुसी नॉचिज़ नाल प्लेस कर सकते हो। ठीक है जी, ये अपनी हो गई शर्ट दी मार्किंग। हुण रह गया जस्ट अपना बैक नेक। हुण देखो बैक नैक किवें कटिंग करांगे आपां। 2.5 इंच नैक दी जिहड़ी चौड़ाई है वह 2.5 इंच ली आपां, और डैप्थ इन्हां दी हैगी सी 7 इंच। इत्थे आपां इदां बॉक्स क्रिएट कर लिया। ये गोलाई दी प्रॉब्लम आउंदी है बच्चों नूं कि किदां पैंदी है। इत्थों तुसीं जे तो ज़्यादा डीप चाहिए तो इतों 1/2 इंच दे गोलाई पा दोगे, जे तो नॉर्मल चाहिए तो तुसी 1.25 इंच दे गोलाई पा दोगे। ठीक है, लो जी ये अपना बैक नेक भी कटिंग हो गया। उस चो आपां स्लीव्स बनावांगे। बॉर्डर नाल बॉर्डर मैच करांगे आपां। ये स्लीव का जो शोल्डर है वह बन नहीं रहा, ठीक है, घट रहा अपने कोल। और जेड़ा अपने कोल ए वाला फैब्रिक बचा हुआ है, यदा आप जोड़ लावांगे।
जोड़ लग के फिर एदी जिहड़ी कटिंग है वह कंप्लीट होगी। फिलहाल मैं तुहानू प्लाजो की कटिंग करवानी आ, इस ते इन्ने जोड़ लग के अपने कोल आएगा फैब्रिक। मैं तुहानू मार्किंग सॉरी हाँ जी प्लाजो लई जिहड़ी मैं तुहानू मेजरमेंट्स लिखवाए सी ओहदे अकॉर्डिंग इन्हां दी हिप सीगी 20 दे विच लूजनेस लई किन्ने प्लस करांगे आपां 3 इंच किन्ना हो गया 23 और 1 इंच कादा ऐड करना है आपां सीम दा जिहड़ियां सीम्स आउणगियां। सो टोटल हो गया अपने कोले 24 इंच 24 दा हाफ किन्ना होया अपने कोले 12 इंच। सो लैग दी एक साइड आपां लवांगे प्लाजो दी 12 इंच। इस तरीके नाल प्लाजो दी हिप लैनी है आपां। फिर आपां लैणा क्रॉच एरिया, क्रॉच एरिया अकॉर्डिंग टू हिप 14.5 दैन थाइस इनक्रीज 2 इंच दैन इनू गुलाई दो। क्रॉच एरिया बन गया अपना। दैन मेजर लेंथ। प्लाजो दे विच मेन प्रॉब्लम कित्थे आंदी है कि प्लाजो चढ़ जांदा है अंदर वाली सिलाई तो, वो चीज़ नू कंट्रोल करन वास्ते आपां ने की करना है टोटल लेंथ जिन्नी प्लाजो दी लेंथ है जिवें इन्हां दी हैगी है 37 इंच, उस तो जे फोल्डिंग आपां करदे आ मेनली की करदे आ कस्टमर जिहड़े प्लाजो बनांदे आ 4 इंच वध लै लैंदे आ वी 2 इंच नेफे दा आ जाएगा, सो 2 इंच पौंचे च फोल्ड हो जाएगा। पर जिहड़ी इनर लेंथ है उहनां दी घट जांदी है, इनर लेंथ कटन करके जिहड़ी अंदरली जिहड़ी अपनी सीन आ उह चढ़न लग जांदी है। उस चीज़ नूं कंट्रोल करन वास्ते आपां लेंथ दे विच 6 इंच प्लस लवांगे जिहदे नाल की है इनर लेंथ अपनी चढ़ूगी नहीं। जिद्दां लेंथ हैगी 37 इंच सो प्लस करांगे आपां 6 इंच 1 2 3 4 5 6 सो 43 इंच मैं इहदी लेंथ लै रही हाँ टोटल। दैन जिन्ना अपना क्रॉच एरिया सी 14 इंच सो इत्थों आपां मेजर करांगे एक बार 14 इंच। फिर आप लेना इहदा पौंचा, पौंचा किन्ना चाहिदा सी आपां नूं 8 इंच नॉर्मल, सो 14 इंच का हाफ करांगे किन्ना आ गया 7 इंच। जिथे आपां ने हाफ किया उत्थों आपां जिन्ना पौंचा रखना है, जिन्ना पौंचा रखना है उसका हाफ लैफ्ट साइड और उसका हाफ राइट साइड लवेंगे। अपना सेंटर चो आ गया पौंचा, ठीक है। और स्ट्रेट किन्ना होना चाहिए कि अपनी जिहड़ी फोल्डिंग है वह सही हो जाए, वल ना पवे। 4 इंच स्ट्रेट लैफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। हुण आपां नूं की चाहिए लैग शेपर स्केल। इस स्केल नाल आपां की करांगे फिटिंग लगावांगे। जे तां आपां नूं फिटिंग प्रॉपर चाहिए है तां आपां डूंघाई वाला भाग है जिहड़ा ओनू यूज करांगे, स्केल दा डूंघाई वाला पार्ट यूज करांगे। जे आपां नूं कंफर्टेबल चाहिए कि साढ़े फसे ना तां आपां घट डूंघाई वाला भाग जिहड़ा इहदा साइड है वह यूज करांगे, घट डूंघाई वाली साइड है जिहड़ी वह यूज करांगे स्केल दी। सो 4 इंच जिहड़ा स्ट्रेट है जिहड़ा 4 इंच अपना स्ट्रेट मार्किंग कीती आपां ने उत्थों स्केल लगा के क्रॉच एरिए तक आपां इदां प्लेस करना है दैन मार्क, ठीक है जी। हुण आपां ने साइड वाली मार्किंग करनी है, वो भी उस तरीके नाल
क्रॉच एरिए दे सामने तक साइड ते इत्थे तक ही काट पेगी जिथे क्रॉच एरिए दा सेध आंदी है ठीक है उत्थों तुसी इहनूं इदां सीधी मार्किंग कर लोगे और एक चीज होर फ्रंट पल्ला है फ्रंट पल्ले दी फ्रंट साइड तो 1.5 इंच डायगनल काट पैंदी है कादे लई ताकि अपना जेड़ा चोली है वो अपनी सही रहे ते ज़्यादा अपन उपर चढ़ाने की लोड़ ना पवे स्टेबल रहे अपनी जगह पे देन पीस कटिंग करो जो तुसी सीजर चलाने हो उदो तो ये वाला हैंड इत्थे होना चाहिए कपड़ा चकना नहीं हैगा एक हाथ नाल जस्ट ऐदा ही सीजर नाल ही कटिंग करनी है लो जी ये अपना हो गया फ्रंट पीस कटिंग फ्रंट पीस नू प्लेस करना है बैक पीस लई ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਕ ਪੀਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਲਾਜ਼ੋ Then 2 इंच इंक्रीज क्रॉच एरिए तो करो ठीक है 2 इंच 2 इंच 2 इंच इहदी इदां एल बना लो इत्थे ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ डायगनल मैच करना है ऐदा डायगनल मैच करना है देन नी वाले पार्ट तो 1.5 इंच पौंचे वाले पार्ट तो 1 इंच ज़्यादा लेना है पल्ला सो स्केल दी हेल्प नाल उसे तरीके मैच कर देना है क्रॉच एरिए तक देन कटिंग
लो जी, ये अपना कटिंग हो गया। और जेड़ा ए वाला पार्ट है इतों आप पॉकेट ले लेंगे। गर्ल्स के पॉकेट हमेशा 12 तो 13 इंच की चलती है। और ये मार्किंग किमें करनी है, साइड तो 4.5 इंच डाउन आना है, 4.5 इंच। पॉकेट का 1.5 इंच लेना है और जेड़ा होल है वो 5.5 इंच का होना चाहिए। पॉकेट की उपर वाली साइड चकेंगे आप और फ्रंट पल्ले की फस्ट साइड दैन कट ला देंगे। ओके, ये अपनी पॉकेट की मार्किंग आ गई। अपना सारा प्लाजो है जेड़ा वह प्रॉपर कटिंग हो गया। और हुण मैं तुहानू स्लीव्स ने जड़ियाँ वह कटिंग करवाउणियां सूट दियां। ऑर्डर मैच चाहिदा सीगा वह अपने कोले हो गया। हुण आपां स्लीव दी लेंथ लैनी है जस्ट। जिमें हैगे अपने कोले 16 इंच और नीचे यदा बॉर्डर है जेड़ा वो अपने फोल्ड करना है। फोल्डिंग वास्ते फैब्रिक ऐड करना पेगा, वो करके आप 16.5 इंच ही रखांगे। और शोल्डर आपां चाहिए है मैक्सीम 10 इंच। ऐसा बॉक्स बना लेना आप। बॉक्स बना के जो पौनी बाह बनती है उदो काट पैंदी है 3 इंच ते नीचो। फिर इस वाले मार्किंग नू तुसी टॉप ऑफ दी शोल्डर स्टेट लाइन नाल मैच कर दोगे। बॉटम लाओगे किन्ना जिवें इन्हां दा हैगा 5.5 रेडी, बॉटम हैगा 5.5 रेडी। सो 1.5 to 2 इंच आपां नू चाहिए एक्स्ट्रा फैब्रिक। ऐदा मैच कर लिया बॉटम नू शोल्डर पॉइंट नाल। फिर की करना है आपां जेड़ा ए वाली मार्किंग कीती है उसका हाफ करांगे। हाफ तो 1/2 इंच बाहर आवांगे गुलाई नालों नू मैच कर दांगे। हो गया मैच। हुण की करना है फ्रंट कार्ड दी मार्किंग किवें करांगे। इस वाले पॉइंट तो इस वाले पॉइंट तक एने पार्ट का हाफ करांगे। इधरों इस वाले पॉइंट का हाफ कर लांगे। फिर इस वाले पॉइंट नू सेंटर वाले पॉइंट चो क्रॉस करते हुए इस वाले पॉइंट नाल इदा मैच कर देंगे। ठीक है, ये अपनी हो गई फ्रंट पीस की मार्किंग। हुण इहदी कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पीस की आपने मार्किंग तो कर ली है पर हुण देखो जे मैं ये दोए पल्ले पहले चक के करते तो एक स्लीव दे विच काट पै जूगी। ठीक है, पर आपां एक च नहीं ना पाउणी, दोनों च पाउणी है। सो आ वाली स्लीव का उपर वाला पल्ला चक के विच वाले दो पल्ले लैने ने, एक आ वाली स्लीव का एक ए वाली स्लीव का। हुण इत्थों आपां उही पोजिशन दे विच काट पा देंगे जिहड़ी पोजिशन दे विच आपां मार्किंग कीती है। लो जी, ये अपनी हो गई स्लीव, ये होगी अपनी शर्ट। और ये आ गया अपना प्लाजो। सारा सूट अपना कट हो गया।